खैरागढ़ उपचुनाव भी कल रिजल्ट आने हैं और हमारे संगठन के पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बहुत पसीना बहाया है, मेहनत किया है, तो मुझे लगता है खैरागढ़ चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आएगा। कितने हजार वोटों से आप जीत रहे हैं और ये सेमीफाइनल है, दो दो? देखिए, हम सेमीफाइनल जीतने के लिए उतरे थे और सेमीफाइनल जीतेंगे और 2023 में फाइनल चुनाव भी जीतेंगे, ऐसे मुझे लगता है। देखिए, आप वोटों से मत गिनिए, जीत जीत होती है। खैरागढ़ की जनता को विकास से वंचित रखा गया और राज्य सरकार ने खैरागढ़ में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया। बड़ा सवाल यह है कि खैरागढ़ की जनता के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? क्यों खैरागढ़ की जनता को विकास से वंचित किया गया? क्यों राजा देवराज सिंह जी की लगातार उपेक्षा की गई, उनको अपमानित किया गया? और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार ने प्रदेश की जो दुर्गति की है, कहीं ना कहीं इसका भुगतान खैरागढ़ में उनको भुगतना पड़ेगा। जो जनादेश आ रहा है ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में आ रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी लगातार वहां पर प्रचार की कमान संभाले हुए थे, लगातार उन्होंने सभाएं की, उनको मालूम था उनका प्रत्याशी की स्थिति क्या है, पार्टी की स्थिति क्या है, उनके कैडर की स्थिति क्या है। और इतने सब षड्यंत्र के बाद आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खैरागढ़ में खड़ी है। ये चुनाव हम प्रचंड मतों के साथ में जीतने जा रहे हैं। हमने एक एजेंडा के साथ में सामूहिक नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा है और जनता तक पहुंचने में हम अपनी बात को कामयाब रहे हैं।